आज आपको हम प्रतिशत कमी तथा प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे आधारित प्रश्न होंगे ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को बीस प्रतिशत बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो पूरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक तो ट्रिक बताएंगे और एक कंसेप्ट बताएंगे। तो पहले कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट यह तो पहली बार क्या बोला है कि 20% की वृद्धि, तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 1/5। तो 1/5 को क्या करेंगे, जो हर में जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे। यदि मेरे पास 5:5 धन था या इनकम थी या संख्या थी, अब वो आके कितना इंक्रीज हुई है, बढ़ी है 6, यानी 5/6 बढ़ी है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया है कि 20% की कमी, तो 20% फ्रैक्शन होगी 1/5, तो इसको वही लिख देंगे 5 पर कितनी कमी हुई 1 की, तो 5/4। तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/5 = 25 और 6/4 = 24। तो संख्या में पूछिए कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो ये 25 संख्या थी पहले, अब आके कितनी हो गई है 24, यानी कि 25 पर कितने कम है, यानी कि 1, तो 1/25 और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 × 100 4% की कमी हो जाएगी। तो आपको अगली ट्रिक में कैसे करेंगे इसे, इसकी ट्रिक है a² / 100%, इसमें हमेशा कमी होगी, क्या होगी, हमेशा कमी होगी। तो जैसे कि एक 20% की वृद्धि, 20% की कमी, इसमें क्या करेंगे कि जैसे वैल्यू क्या है, सेम है, 20% की कमी 20% की वृद्धि, तो उसमें से एक उठाएंगे, यानी 20² यानी 20² / 100%, तो आंसर हो जाएगा, यानी कि 20² करेंगे तो 400 किससे डिवाइड देना है, 100 से ये 4 बार, तो 4% की कमी। इस हिसाब से इस चैप्टर को जैसे जैसे सवाल बनते हैं तो इसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राम की आय में 25% की कमी की गई पुनः 25% की वृद्धि की गई तो बताओ पूरी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई,
कमी हुई तो सॉल्व कर देंगे। देखिए 25% की कमी, 25% की वृद्धि, तो एक तो ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या थी, ए स्क्वायर अपॉन 100%, तो कमी का यानी कि 25 का होल स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 डिवाइड बाई 100, और 100 से डिवाइड करने की एक ट्रिक है, इसमें कितने जीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर खत्म। अब कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट यानी 25% की वृद्धि, 25% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 पर कितनी वृद्धि हुई है, 1 की, यानी कि 4 थी अब हो गई 5। दूसरी कंडीशन में 25% की कमी, यानी 1/4, यानी 4 पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 16:15। कितने की कमी, 1 की, और जी हो गए 16% के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, 4 से काट दो, 4 4 16, और 4 25 बार, और 4 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 6.5% निकल। तो इसी हिसाब से कर लेंगे अगला क्वेश्चन, अगली वीडियो में बताएंगे।